दोस्तों नमस्कार, जय जगन्नाथ सबको। आज की टॉपिक में एक ऐसा विषय मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो हर घर की समस्या है। आपको शायद पता होगा कि हर एक बंदा जो अभी जवान है उसकी पिता को समझ में उसमें देरी होती है, कुछ ना कुछ नासमझी रह जाता है। उनके लिए एक बात है, जब तक एक बंदा खुद पिता नहीं बन जाता तब तक वो पिता का जो हृदय है, पिता का जो मन है, उसको समझने की उसमें तमीज़ नहीं आएगी। ठीक वैसे ही अगर एक बंदी, एक लड़की जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसको माँ का प्यार क्या है, माँ का मन क्या है, माँ का अवस्था क्या है, वो भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बात बोल रहा हूँ कि आज के समाज में बहुत सारे ऐसी घटना दुर्घटना घटती है जिसकी वजह से पिता माता को बहुत ही शर्मिंदगी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और इस समाज से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कुछ जवानी के जोश में बच्चे ऐसे काम कर जाते हैं जिन काम के वजह से पिता माता को गर्व क्या, मुंडी को नीचे करके सब सहना पड़ता है। और दूसरी बात यह है, कुछ नादान ऐसे हैं कि घर में रहते हुए भी माँ बाप का सालों के साल प्यार को पाते हुए भी दो चार दिन के प्यार में घर वार छोड़ के किसी के साथ चले जाते हैं। और इस परिस्थिति में जो गुजरता है पिता माताओं के ऊपर जो गुजरता है, आज की टॉपिक वही है। देखिए, ऐसा आज के ज़माने में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है कि चलो कोई किसी से प्यार किया, कोई बच्चा किसी से प्यार किया या कोई जवान किसी से प्यार किया, तो वो दोनों क्या करते हैं, किसी को कुछ भी बताए बिना भाग जाते हैं और कहीं जाके रह लाते हैं। कुछ दिन के लिए लिविंग रिलेशनशिप रहते हैं, फिर या फिर शादीवादी कर लेते हैं, फिर घूम फिर के फिर वहीं पापा मामा के पास चले आते हैं। कभी आपने सोचा है कि उस पापा मामा का साथ क्या अवस्था हुआ होगा? नहीं, आप लोगों को क्या है कि जवानी के जोश में, प्यार के चक्कर में आप लोग तो ऐसे काम कर लेते हो, मगर कभी जो माँ है, जो पिता है, उनकी मन की अवस्था के बारे में आप लोग सोचते नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक लड़की जब खुद माँ ना बन जाए, एक लड़का जो खुद पापा ना बन जाए, वो उन माँ बापाओं की जो परिस्थिति, जब लड़की उनसे भाग जाती है, दूर चली जाती है, कोई उनको ले कर चली जाती है या फिर भगाया जाती है, उस परिस्थिति को अनुभव नहीं कर सकता। तो सारे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मुझे फॉलो करते हैं और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मुझे चाहते हैं, प्लीज़ उन सबको तो निवेदन है, क्योंकि एक पिता जो है सारी ज़िंदगी अपनी गुजार देता है कि मेरे बच्चे कैसे बचे, मेरे घर कैसे चले, मेरे पापा मामा कैसे चले, मेरे पत्नी कैसे चले, मगर उनको समझने की किसी के साथ कोई भी एक पर्सन भी नहीं उनके बारे में सोचता। ठीक वैसे ही माँ, माँ एक ऐसी शब्द है हमारे परिवार में जो कि बिना वेतन लिए सर्वेंट की तरह घर का काम सुबह से लेकर शाम तक करती है। कुछ मिलता है उनको? कुछ नहीं मिलता, खाली परिवार का प्यार पाने के लिए ये सब वो कर लेते हैं। मगर बच्चे क्या करते हैं, उनके ऊपर जब जवानी का भूत उनके ऊपर सवार होता है तब ऐसे ही कुछ काम करके पूरा बदनाम कर लेते हैं पिता माता की ज़िंदगी को। और उस टेंशन में बहुत सारे ऐसे भी देखा गया है कि पिता माता ने लज्जा से, शर्म से बहुत ही गलत कदम उठा लिए हैं। उन लड़का लड़कियों को मेरा एक ही वचन है, खुद सुधरो या फिर सुधरने की कोशिश ही मत करो। तुम भाड़ में जाओ मगर किसी माँ बाप के आंखों में आंसू मत लाओ, क्योंकि एक बार अगर आप आंसू लाए तो समझ लेना कि आप जिस जिंदगी में बच रहे हो ना।